ठीक है, वेलकम बैक टू द वीडियो। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बुकिंग के कारण आज एक शार्प फॉल आया है बीच में, जो कि मतलब मार्केट तो पॉजिटिव में बंद हुआ लेकिन अपने हाई से 1.5% नीचे प्रॉफिट बुकिंग के कारण बंद हुआ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है। तो देखो, प्रॉफिट बुकिंग ये होता है कि जैसे जो लोग इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने 50 साल के लिए 25 साल के लिए, उनको लिए उनके काम की चीज़ ये नहीं है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या टाइम टू टाइम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते, मतलब थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं मार्केट से, सीधा समझो हर कुछ समय पे थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग उनके लिए। जैसे देखो, अभी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट गया था 15,000 750 के पास, तो वहां पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब जब मार्केट 16,200 300 500 पे आ गया है, तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ से फिर वापस नीचे मार्केट जा सकती है थोड़ी सी, तो ये जो बीच का जो पॉइंट है 15,700 से 16,250 300 तक, ये उनके लिए प्रॉफिट हो गया, और इस प्रॉफिट को बुक करके निकाल लेंगे। और फिर जब मार्केट नीचे जाएगी तो वो एंटर करेंगे, या फिर 50 कोई कुछ लोग क्या होते हैं 100% बुक कर लेते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं 50% करते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो बुकिंग करते हैं। तो यहां से अगर नीचे जाएगी तो वापस एंट्री करेंगे, मतलब जब भी उनको अपॉर्चुनिटी, ये एकदम समझो स्विंग ट्रेडिंग हो गई, जब भी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है तो वहां पे वो लोग एंट्री करते हैं, और ऊपर जहां पे उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे मार्केट होल्ड कर सकती है या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी, तो वहां पे वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। मतलब वो बेचते हैं, जो यूनिट्स खरीदी म्यूचुअल फंड्स की उस यूनिट को बेच दिया। अगर मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और जहां पे मुझे लग रहा है कि मार्केट अब यहां से नीचे वापस जा सकती है, वहां पे मैंने बेच दिया। तो ये हो गई, इतना जो बीच का फासला हो गया वो उनका प्रॉफिट हो गया, और इसको वो बुक करके हट जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड नहीं रहते, वो टाइम टू टाइम जो उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसका इस्तेमाल करके अपना पैसा डालते हैं, थोड़ा बढ़ता है निकालते हैं, प्रॉफिट उस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। तो ये हो गई प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जब प्रॉफिट हुआ उसको बुक करके हट गए, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। और ऐसा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता, ऐसा स्टॉक्स में भी होता है। स्टॉक के अंदर भी जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो वो वहाँ पे एंट्री करते हैं, और ऊपर जहाँ तक उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यहाँ से वापस नीचे जा सकते हैं, यहाँ से टाइम और लगेगा ऊपर जाने में, तो वहाँ पे वो एग्जिट करके निकल जाते हैं। तो ये वो प्रॉफिट बुकिंग, जो बीच का उनका फासला हो गया वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ। या कुछ लोग अपना टारगेट बना के भी करते हैं कि यहाँ इस स्टॉक में मैंने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ से 10% ऊपर जाएगा और मैं एग्जिट करके निकल जाऊंगा, तो ऐसे भी वो करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट बुकिंग। मतलब ट्रेडिंग के अंदर ही जो प्रॉफिट हुआ उसको बुक करके निकल गए, तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, वो अपना एक बार इन्वेस्ट किया फिर उसको छोड़ देते हैं सालों साल तक, उसके अंदर में और जब मौका मिलता है तो खरीदते हैं, बट उसको बुक करके एग्जिट नहीं करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गई, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं हम।